तो मैं आज आपके सामने बात करने वाली हूँ जो थोड़ा बहुत मेरे प्रोफेशन से मैं आपको लिंक करके बताने वाली हूँ। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो जब हम किसी क्लासरूम में जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ वैसा होता है, जब द प्री प्राइमरी किड्स के साथ हम ये यू नो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कीमा एक्टिवेशन। नाउ व्हाट इज स्कीमा एक्टिवेशन? स्कीमा एक्टिवेशन इज बेसिकली आपके दिमाग के उन पोर्शंस को टच करना जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एप्पल की स्टोरी बताने वाली हूँ, तो मैं आपको एक एप्पल दिखा दूंगी या एप्पल के बारे में यू नो बात कर लूंगी कि आप कभी आपने एप्पल खाया है। तो जैसे ही मैं बात करूंगी तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी एप्पल की, एप्पल फ्रूट, एप्पल सैलड, एप्पल कस्टर्ड। तो बहुत सारी यू नो आप इमेजेस अपने दिमाग में क्रिएट कर लेंगे और उसके आगे फिर टीचर बिल्ड करती है जो भी टेक्स्ट है। वैसा ही कुछ मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ, नॉट आपके साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं तो हमारे दिमाग में भी स्कीमाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कीमाज होते हैं अपनी कंट्री को लेके, अपने देश को लेके, अपनी जगह को लेके, अपने लोगों को लेके। तो कैसे जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं और कैसे वो स्कीमाज पे यू नो आई वोंट से अटैक बट या एक डिलेमा होता है, एक सेंस ऑफ यू नो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे हमारे वो जो स्कीमाज हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, हमने अभी तक ये देखते आए हैं, हमने इतने साल बिता दिए हैं स्कूलिंग के, हमने ये चीज़ें इस तरह से देखी हैं, तो ये भी हो सकता है। तो उस तरह की चीज़ें जो होती है जिनको हम फैंसी टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो कल्चरल शॉक्स भी बोलते हैं। तो उस तरह की क्या कल्चरल शॉक मुझे यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किए व्हेन आई मूव्ड फ्रॉम इंडिया टू पोलैंड, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और वो बेसिकली बहुत मज़ेदार हैं, मेरे को तो वो अभी तक इंटरेस्टिंग लगते हैं। आई कांट जस्ट वेट टू स्टार्ट द वीडियो विद यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड जस्ट हैव अ लुक एट दोज फाइव कल्चरल शॉक्स जो मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस किए। फर्स्ट बीइंग लैंग्वेज, पोलिश इज़ बेसिकली अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जहाँ पे इनकी मेन भाषा जो है, जैसे हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है वैसे इनकी राष्ट्रभाषा पोलिश है। बट जिस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके आपको पोलिश का होता है, उस तरह का आपने इंडिया में नहीं देखा होगा। अगर मैं अपने इंडिया की एक्सपीरियंस की बात करूँ, टेक्स्ट की, बेसिकली जो मेरे को अपने आसपास प्रिंट अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है। मैं कभी भी सुपरमार्केट में जाती हूँ इंडिया में, तो मेरे को अगर मैंने कुछ सामान लिया है तो इधर द लैंग्वेज विल बी इन हिंदी और इन इंग्लिश और बोथ। ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि आपको सिर्फ 100% जो है वो हिंदी में ही टेक्स्ट मिल रहा है, उसका इंग्लिश वर्जन भी साथ में लिखा होता है, उसको ट्रांसलेटेड वर्जन भी उसके साथ लिखा होता है। बट पोलैंड में उस तरह का कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से कुछ भी सामान लेते हैं या सुपरमार्केट में आप बेसिकली जाते हैं, वहाँ पे लेबल जो है वो 99.9% जो है वो पोलिश में ही होते हैं, उसका कोई भी ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश में नहीं होता है। तो यू नो एट टाइम्स अगर आप पोलैंड में हैं और आप नए हैं और आपको पोलिश नहीं आती है, तो इट माइट हैपन टू यू कि आप जो चीज़ लेने आए हैं आप उसके सामने से गुजर जाएं और आपको पता भी नहीं लगे कि आप उसको यू नो सरपास कर चुके हैं। तो एक ये बहुत बड़ा यू नो मेरे लिए कल्चरल शॉक था कि When you're coming to a country, you know, when you're coming to a new country, तो आप mentally prepared होते हैं कि okay, आपको वहाँ की language नहीं आती है, but since you're an English speaker, तो आप थोड़ा बहुत तो manage कर लेंगे, आपको चीज़ें लेने देने में कोई issues नहीं आने वाले हैं, but यहाँ पर वो issues आते हैं। साइन बोर्ड्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गई, उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो प्रिंट जो भी होता है वो पोलिश में ही होता है। यहाँ के लोग जो हैं वो 70-80% जो हैं वो पोलिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत कम हैं। सो या दैट वाज द फर्स्ट कल्चरल शॉक विच आई फेस्ड हियर व्हेन आई मूव्ड इनटू पोलैंड, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। सेकेंड, सनसेट टाइम। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, अब सिंस आई एम एन इंडियन तो मैं इंडिया से ही कंपेयर करूंगी, दैट इज़ वाई दिस यू नो टाइटल इज कॉल्ड कल्चरल शॉक, कि जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं और हम उससे कुछ हट के देख रहे हैं तो इट विल बी यू नो कंसीडर्ड एज कल्चरल शॉक ओनली, तो अदरवाइज वो मेरे लिए नॉर्मल होता। सनसेट टाइम इंडिया में मैक्स टू मैक हमने 7 देखा है, 7:15 देखा है, इससे ज़्यादा नहीं देखा है। आई मीन आई डोंट रिकॉल एनी टाइम इतने साल में जब मैंने उजाले में डिनर किया हो। If you understand what I'm trying to say कि यहाँ पे जो sunset time होता है वो 8:40-8:50 तक भी जाता है, and there is a day 20th June जब sunset जो है वो 9:05 तक होता है in the night, okay? तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ थी। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि आप रात का खाना खा रहे हैं, आई मीन अगर कोई बाहर का अंधेरा देख के खाना खाना चाहेगा ना, अगर कोई वॉच को देख के या क्लॉक को देख के डिनर नहीं लेता है, कोई बाहर का अंधेरा देख के डिनर लेता है कि ओके चलो रात हो गई है लेट्स हैव डिनर, तो वो यहाँ पे 10 बजे से पहले डिनर नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा समर्स में, नॉट इन विंटर्स,
समर्स में यहाँ पे सनसेट जो है वो 8:30 के बाद ही होता है और सनराइज़ बहुत अर्ली हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 AM इन द मॉर्निंग यहाँ पे सनराइज़ हो जाता है। तो वो मेरे लिए एक यू नो बहुत डिफरेंट चीज़ थी। सनराइज़ का मैं इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंडिया में भी हमने देखा है उसने टाइम के अराउंड सनराइज़, बट सनसेट मैंने 9 PM पे कभी भी इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही नई चीज़ थी। तो जो भी लोग घूमने आते हैं स्पेशली, इसलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी मेंशन किया है कि समर्स इज़ द बेस्ट टाइम टू यू नो विजिट यूरोप, बिकॉज डेज जो होते हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं, आपको दिन सन टाइम जो डे लाइट टाइम होता है वो ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा घूम सकते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू यूरोप एनी टाइम सून, यू मस्ट कम इन समर्स। थर्ड बींग द वाटर बिल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बोलूँ तो यहाँ पे अगर हम 400 zlotys पे कर रहे हैं फॉर द यूटिलिटीज़ जिसमें कि इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, तो हम 400 में से लगभग 310 zlotys जो है वो सिर्फ पानी का पे करते हैं और 90 zlotys जो है वो गैस का एंड यू नो इलेक्ट्रिसिटी का पे करते हैं। तो वाटर इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव हियर, वर्ल्ड इज़ फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी, तो आई थिंक दे नीड टू मेक या दे डोंट वांट टू मेक श्योर कि वाटर की वेस्टेज नहीं हो, विच इज़ अ गुड स्टेप, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे पानी। इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं होता है, इंडिया में पानी का बहुत कम बिल आता है। मैंने खुद भी देखा हुआ है कि कितनी बार जो पानी का यू नो घर पे मीटर की रीडिंग लेने आते हैं कितनी बार वो आते भी नहीं थे ऑन टाइम, कितनी बार बिल नहीं आता था पानी का। सो दैट इज़ द थिंग, आई एम नॉट एंडोर्सिंग कि घर पे बिल ना आया करे पानी का, ऑब्वियसली जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना वी हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, बट या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वो मेरे लिए एक बहुत ही नई चीज़ थी और शॉकिंग थी। और यू नो इट्स नॉट अ नाइस थिंग कि आप वाटर के लिए इतना ज़्यादा पे कर रहे हो, एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो गुड फॉर दोज पीपल जो वाटर वेस्टेज करते हैं, तो उनके लिए ये ठीक है, बट दैट्स अ पर्सनल कल्चरल शॉक फॉर मी, आई डिडंट लाइक इट। Fourth being the seasons. Poland only has 4 seasons, summer, winter, autumn and spring. They don't have the rainy season or the monsoons. And it's not like that ki yahan pe barish hoti hi nahi hai. Barish hoti hai, but they call it a bad weather or you know a bad rainy day. They don't have a particular season jahan pe barish hoti hai, jaise India mein hoti hai aur Mumbai mein specifically jaise June mein start ho jata hai monsoon season aur wo I think August tak chalta hai. To is tarah ka yahan pe kuch nahi hai. Yahan pe throughout rains hoti hain kabhi kabhi. It's pouring heavily outside, but yeah, they don't call it a rainy season क्योंकि उनका कोई specific season नहीं है जिस season में या जिस month में बारिश होती है, वो throughout the year कभी भी हो सकती है। So they don't have 5 seasons, they only have 4 seasons unlike India. Fifth being and the most important, fifth is something जिसकी मैं fan हो गई हूँ, it's like cashless transactions. You don't have to carry कैश एट ऑल इफ़ यू आर गोइंग आउट, आपको एक रुपया भी बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कार्ड है जिसमें ऑब्वियसली पैसे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वॉट एवर यू यूज़। कोई भी जगह ऐसी नहीं है यहाँ पे जहाँ पे आपको हार्ड कैश या यू नो इस तरह के कैश की ज़रूरत है, कोई भी यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बी इट पार्किंग लॉट, बी इट द ट्रैम्स, बी इट इन द मेट्रो स्टेशंस, आप कहीं भी गैस स्टेशंस, आप सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं भी आप छोटी कैब ड्राइवर्स आल्सो हैव द ब्लिक पेमेंट मेथड, आई डोंट नो, आई थिंक ब्लिक पेमेंट मेथड इज़ नॉट येट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इस तरह से हम पे नहीं कर सकते हैं। ब्लिक की मैं बात कर रही हूँ अगर, तो आई थिंक इंडिया में वो अभी तक यूज़ नहीं हो पा रहा है, बट यहाँ पे वो भी यूज़ होता है। इवन इफ़ यू डोंट हैव अ कार्ड तो आप ब्लिक पेमेंट कर सकते हैं, यू गेट अ कोड ऑन योर मोबाइल और जहाँ पे जो भी बिल आया है आपका वो कोड आप वहाँ एंटर कर सकते हैं, तो यू विल बी यू नो यू विल बी एबल टू पे थ्रू दैट। तो उस वो एक बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पे, आई हैव बिकम अ फैन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है करने का इस टाइम पे। मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी जैसे कि मैं कोरोना से लिंक करते हुए अगर इसको बोलना चाहूँगी, RBI के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी 2 महीने पहले अभी एक स्टेटमेंट जारी की थी कि डोंट एक्सचेंज नोट्स सो ऑफन, आप कॉइन्स या हार्ड कैश या जो इस तरह की मनी होती है उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करें, आप कोशिश करें कि आप कार्ड्स यूज़ करें या यू नो पेटीएम या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है पे करने के वो यूज़ करें, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन के चांसेस हैं अगर कोई वायरस है तो। आई थिंक दोनों चीज़ों के कुछ ना कुछ यू नो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, बट इफ़ यू आस्क मी तो आई एम डेफिनेटली अ फैन ऑफ यू नो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें यू नो कम हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर फ्री, यू कैन ट्रैवल, यू कैन पे एनी वेयर विद योर फोन विद योर कार्ड्स, तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर जो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी नायक था, मेरे लिए बहुत नया था, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा है, डू शेयर इट द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू रीड योर व्यूज ऑन इट. मेक श्योर यू हैव अ नाइस डे, मेक श्योर यू हैव अ हेल्दी डे. स्टे होम, स्टे सेफ.